जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिठी का जिक्र हुआ डिस्ट्रिक्ट थरपारकर का, तो थरपारकर डिस्ट्रिक्ट की एक ब्यूटी ये भी है कि वहां पर, क्योंकि हिंदुइज्म में जो काओ है वो सेक्रेट मानी जाती है, उनको होली काओ होती है, तो उनको वो उनके लिए बहुत पाक होती है, काओ यानी गाय। तो डिस्ट्रिक्ट थरपारकर जो है, आपने भी देखा होगा सर, मैंने भी कई बार देखा है, वहां पर जो काव है मुस्लिम कभी भी क्राउडली उनको, हालांकि उनके लिए हलाल है, लेकिन क्राउडली कभी भी उनको जबा नहीं करते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं इंटरफेथ हार्मनी इन पाकिस्तान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खालिद हुसैन साहब। खालिद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम असलाम सर, थैंक यू। आप बताएं, आप कैसे हैं? सबसे पहले ये बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने प्रोग्राम में शामिल किया, मैं बहुत मशहूर हूँ आपका। खालिद हुसैन साहब, बड़ा ही छोटे टाइम में, बड़ा रिसेंट टाइम में हमने आपको पाकिस्तान में फाउंड किया है। स्पेशली मैंने कुछ ही दिनों में आपको ये देखा है, फाउंड किया। पहले से तो हमने आपको नहीं देखा था इस सीमा हैदर केस पर बात करते हुए, लेकिन आपका बड़ा पॉजिटिव किरदार रहा है इस सीमा हैदर केस पर। आप बड़ी अच्छी पर्सपेक्टिव, आपका जो बड़ा अच्छा है, आपका जो बयान है, अंदाजे बयान है, वो भी अच्छा है, और आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहता है। आप किसी मजहब के खिलाफ बात नहीं करते हैं, आप किसी भी देश के खिलाफ बात नहीं करते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू एज बीइंग अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, बीइंग अ लॉ अबाइडिंग या बीइंग अ लीगल पर्सन, आपका बड़ा अच्छा है होता है। मैं आई मस्ट अप्रिशिएट यू खालिद हुसैन। पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, ये पॉलिटिकल साइंस के भी प्रोफेसर हैं और ये लॉ के भी प्रोफेसर हैं, वकील भी हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी। हमारे साथ खालिद हुसैन जुड़ चुके हैं। खालिद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने कोई तذکرہ किया था कि सिंध में कोई एक ऐसी जगह है जहां पर एक ही कंपाउंड वॉल में कोई मंदिर भी है, कोई मस्जिद भी है, तो वो कहाँ है, वो कैसे आपने देखा, और वो कहाँ, क्या हालात हैं उनके? क्योंकि सीमा हैदर का तो बड़ा एक्सट्रीमिज्म का इल्जाम रहता है, लेकिन आपकी बात तो बड़ी शॉकिंग है कि एक कंपाउंड वॉल में मस्जिद भी है और मंदिर भी है, और एक दरवाजे से निकल के हिंदू मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग जाते हैं, और घंटी भी बजती है तो अल्लाहु अकबर की आवाज भी आती है एक ही कंपाउंड में। ये तो हमें बड़ी खुशी हुई सुनते हुए, आपसे थोड़ा ये जानेंगे हम। जी जी सर, सर ये जो मस्जिद है बेसिकली ये बहुत फेमस है, दरगाह भी बहुत फेमस है, और ये सिंध के शहर उदयपुर में मौजूद है। और इस पर मेरी एक डॉक्यूमेंट्री भी अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह वो मैं बहुत जल्द व्यूअर्स को शो करूँगा। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि सीमा हैदर या एपी सिंह दिखा रहे हैं दुनिया को। ये उदेर उलाल की जो दरगाह या मंदिर या मस्जिद जो है, ये कहीं भी इतना बड़ा, पाक इंडिया ऑलमोस्ट 4 टाइम बिगर देन पाकिस्तान, लेकिन कहीं पर भी अगर ऐसी कोई दरगाह या मस्जिद हमें दिखाएं एपी सिंह, तो जो वो कहें हम मानेंगे। पाकिस्तान वाकई एक बकौल उनके एक टेररिस्ट स्टेट है। तो उदेर उलाल जो यहाँ पर दरगाह है सर, वो बेसिकली यहाँ पर जो मुंतजमीन हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो भी म्यूचुअली हिंदू और मुस्लिम दोनों ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, क्योंकि इनके एनुअली मेले भी लगते हैं। अच्छा, तो खालिद हुसैन, वो दरगाह में लोगों का रुझान कैसे होता है? क्योंकि एक ही टाइम पर वो अल्लाह अकबर की आवाज भी आती होगी और घंटी भी बजती होगी, तो आपस में कभी इनका कोई झगड़ा नहीं होता है? उनकी आपस में ताल्लुकात कैसे रहते हैं? जी कोई भी झगड़ा नहीं होता, क्योंकि दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इस्लाम। और जो मुसलमान वहां पे रहते हैं वो खुद प्रोटेक्टर हैं उनके, यानी जो मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं दरगाह या जो मंदिर के आसपास, बेसिकली दे आर द रियल प्रोटेक्टर्स, क्योंकि वो मेजोरिटी में है। तो मैं वहां पर गया भी हूँ, मैं दोबारा भी जाऊंगा, और ये एक रियल फेस है, एक जेन्युइन फेस है पाकिस्तान का, जो इंशाल्लाह हम शो करेंगे एपी सिंह को और सीमा हैदर को। अब सीमा हैदर की मेंटेलिटी मैं इन पर बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी कोई मेंटेलिटी है नहीं, वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, और उनको इस्लाम के बारे में, उनको कलमा तैयबा भी नहीं आता,
तो बहरहाल वो हमारा अंडर डिस्कशन ये टॉपिक नहीं होना चाहिए। हमारा टॉपिक होना चाहिए एपी सिंह, जो कि खुद को डॉक्टर भी कहता है और सुप्रीम कोर्ट का वकील भी कहता है और पाकिस्तान के खिलाफ बकवास भी करता रहता है। जी अच्छा खालिद हुसैन, ये उडेरो लाल जिस डिस्ट्रिक्ट में वाके है, ये डिस्ट्रिक्ट सांगड़ कहलाता है, आई थिंक, है ना, सांगड़ कहलाता है। तो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का जो इस वक्त का जो डिप्टी कमिश्नर है, हिंदुस्तान में जैसे कलेक्टर होता है और पाकिस्तान में डिप्टी कमिश्नर होता है, वो मेरा क्लासमेट है। वो मेरे साथ जो है वो फर्स्ट क्लास से लेके हम यूनिवर्सिटी तक हम एक साथ पढ़े हैं। वंस मुझे एक मरतबा उनसे भी ये बात सुनने को मिली थी, राइट नाउ उज अ कलेक्टर उस डिस्ट्रिक्ट का। उसने कहा था कि अब मुझे याद आ गया कि वहां पर मस्जिद भी है, मंदिर भी है और एक दरगाह भी है। ये तीनों प्लेस है। वहां पर जो एक दरगाह है उस पर हिंदू कहते हैं ये हमारा उडेरो लाल दरवेश है, यहाँ पर मदफून, यहाँ पर जो दरवेश की कब्र है ये उडेरो लाल सरकार है, और जो मुसलमान है वो कहते हैं ये हमारा अल्लाह का वली जुम्मन शाह है। तो इस पर भी उन्होंने कहा था कि कोई झगड़ा नहीं है, वहां पर रवादारी है। तो आपने ये बड़ी अच्छी खबर सुनी होगी खालिद की तरफ से कि सिंध में, पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है, कंपाउंड में, जहां पर एक मंदिर भी है, एक मस्जिद भी है, एक दरगाह भी है कंपाउंड में। वहां पर हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, घंटा भी बजता है, अल्लाह अकबर की आवाज भी आती है, दरगाह पर चादर हिंदू भी चढ़ाते हैं, मुसलमान भी चढ़ाते हैं, लेकिन कोई झगड़ा नहीं होता है, रवादारी है, मोहब्बत है, प्यार बांटा जाता है वहां पर। वहां पर होली भी मनाई जाती है, तो वहां पर ईद उल अजहा और ईद उल फितर भी मनाई जाती है, मिठाइयां भी खिलाई जाती हैं। और मैं तो ये कोशिश करूंगा कि मैं जो है ड्राइव लेके उस एरिया में जाऊं और हिंदुस्तानियों को मैं ये प्लेस दिखाऊं, पाकिस्तानियों को ये प्लेस दिखाऊं, दुनिया भर के तमाम लोगों को ये प्लेस दिखाऊं कि कैसी रवादारी है हमारे पाकिस्तान में। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिठी का जिक्र हुआ डिस्ट्रिक्ट थरपारकर का, तो थरपारकर डिस्ट्रिक्ट की एक ब्यूटी ये भी है कि वहां पर, क्योंकि हिंदुइज्म में जो काओ है वो सेक्रेट मानी जाती है, उनको होली काओ होती है, और उनको वो उनके लिए बहुत पाक होती है, काओ यानी गाय। तो डिस्ट्रिक्ट थरपारकर जो है, आपने भी देखा होगा सर, मैंने भी कई बार देखा है, वहां पर जो काव है मुस्लिम कभी भी क्राउडली उनको, हालांकि उनके लिए हलाल है, लेकिन क्राउडली कभी भी उनको जबा नहीं करते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं इंटरफेथ हार्मनी इन पाकिस्तान। अच्छा खालिद, मैं आपसे ब्रेक लूंगा, डॉक्टर शुजात साहब ने हमें ज्वाइन किया है यूएसए से। सर आपसे ये डिस्कस करना है, आज हमें एक ऐसी बात पता चली है खालिद हुसैन की तरफ से, वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम एपी सिंह की तरफ जाएंगे, सीमा हैदर की तरफ जाएंगे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म है, हिंदुओं को मारा जाता है, मुख्तलिफ लोगों को, मजाहब के लोगों को जो है वो हुकूक नहीं दिए जाते हैं, यहाँ पर बड़े हालात खराब है और मंदिर में लोग नहीं जा सकते, मुख्तलिफ तरीके के इल्जाम लगाता है। लेकिन खालिद ने आज एक ऐसी बात बताई है जिस पर मैं और इकरा बड़े क्यूरियोसिस्ट हैं कि हम वो प्लेस जाके देखेंगे। खालिद का कहना है कि हैदराबाद के नजदीक टंडो आदम उडेरो लाल नामी एक सिटी है, वहां पर एक कंपाउंड के अंदर एक मस्जिद है, एक मंदिर है और एक दरगाह है। दरगाह के लिए हिंदू कहते हैं उडेरो लाल है, यहाँ पर मदफून, और मुसलमान कहते हैं कि ये हमारा अल्लाह का वली जो है जुम्मन शाह मदफून है। और मस्जिद में उस वक्त जो है अल्लाह अकबर के जो है आवाज बुलंद होती है, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली मंदिर में घंटी भी बजती है, एक दरवाजे से कंपाउंड में लोग आते हैं, हिंदू भी मुसलमान भी, और होलियां खेली जाती हैं, हिंदू के त्यौहार ईद उल फितर, ईद उल अजहा भी मनाई जाती है। सर ये तो बड़ी अच्छी चीज है, आपका इस हवाले से क्या कहना है कि पाकिस्तान में ऐसी भी जगह है जहां पर रवादारी है और मजहबी रवादारी है, मोहब्बत भी कायम है। सर बहुत ही जबरदस्त आपने एग्जाम्पल दी है, और मैं आपको पाकिस्तान की जो मल्टी कल्चरल, मल्टी फैक्टोरियल, मल्टी रेस सोसाइटी है उसके हवाले से, क्योंकि एक जाहिर है हम यूं समझे कि सोशल वर्कर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। अपनी तरफ से हमारी कोशिश होती है कि हम वॉइस लेस की वॉइस बने। तो ये चूंकि एक किसी भी सोसाइटी की मजबूती का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है सर, वो आपस की हमाहंगी है, आपस में मिलजुल के रहना है।
अच्छा, मैं सर ऐसा वाले से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बहुत ज्यादा मैंने काम किया। ये जो फिरका वारियत के नाम पे दुकानें रचाई जाती हैं, ह्यूमैनिटी का खून किया जाता है, तो इस पे मैंने बहुत ज्यादा आवाज उठाई, क्योंकि हम लोग अफेक्टिव में से हैं। मेरे हमारे अपने जो दोस्त हैं वो इस रास्ते में गए। कराची में तो आपको पता है कि क्या हुआ, उसकी बेसिक रीजन सर यही थी कि कोई भी सोसाइटी कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जब जब तक आपस में हम आहंगी ना हो। खालिद, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप कुछ पॉइंट आउट कर रहे थे कि थरपारकर और ये जो कोई मिट्टी और दीगर में कोई, आप कह रहे थे कोई बड़े का गोश्त भी नहीं होता, कोई जैसे कि भैंस वगैरह का या कोई कैमिल का, कोई भी बड़ा जानवर उसका कोई प्रोहिबिटेड है कोई सेल आउट करना गोश्त या होटलिंग पे? जी सर, ये उनका एक कस्टम बना हुआ है और ये एक सोसाइटी का उनका कस्टम है कि मुसलमान जो है वो हिंदू मजहब की धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए वो अच्छा नहीं समझते क्राउडली के वो गाय का गोश्त खाएं या उसको ज़बह करें या हलाल करें। तो ये वन ऑफ द बेस्ट और सेटल्ड एग्जाम्पल है पाकिस्तान में। अगर हम सिर्फ इंडिया को देखेंगे तो इंडिया में आप देखें तो वहां पर जो रूलिंग पार्टी है बेसिकली तो बीजेपी है, लेकिन बीजेपी को जिसने एस्टेब्लिश किया है वो तो आरएसएस है, और आरएसएस का स्लोगन ही यही है कि एवरी नॉन हिंदू हु लिव्स इन इंडिया इज लायबल टू किल। ये एक और आरएसएस का स्लोगन है, और इस स्लोगन के खिलाफ था इंडिया का जो बानी यानी एम के गांधी, उसको आरएसएस के फाउंडर मेंबर ने ही कत्ल किया था। अब आप इमेजिन करें उसी आरएसएस का जो लाइफ टाइम मेंबर है वो वहां पर अभी प्राइम मिनिस्टर है,